देखिए, आज हम झटपट बनने वाली रसमलाई इस दूध से बनाएंगे। दूध मैंने 400 ग्राम लिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसे हम जलाएंगे। झटपट और सस्ती कम दामों में बनने वाली ये रसमलाई, मैंने इसमें गरम कर लिया था दूध और इसको इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। इतना और डाल दिया, इतना आधा थोड़ा दूध बचा लिया है, इसका हम कुछ और करेंगे। इस दूध को अभी हम गर्म करेंगे और इसमें उबाल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। आप कच्चा भी दूध ले सकती हैं, विथ क्रीम हो दूध, या गर्म कर लिया है तो वो भी हो, उससे भी कुछ नहीं होता है। मैंने आज दूध सुबह गर्म कर लिया था, वही दूध अब डाल दिया। गाय का हो या भैंस का हो, पैकेट वाला दूध जो भी हो, सब के बन जाएंगे। ये मेरी यहाँ भैंस का दूध आता है, ये दूध वही है। देखिए, ये दूध उबलने लगा है। अब इस स्टेज पर हम ये चीनी डाल देंगे। हमने तो इतनी ही डाली है, 100 ग्राम। आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इतनी इसलिए डाली है कि रसमलाई कम मीठी होती है, इसीलिए डाली है। चीनी घुल रही है और मैंने ये कुछ केसर के धागे दूध में डाल दिए थे इसमें, देखिए, क्योंकि दूध में ये घुल गए हैं और इसमें डाल देंगे, कलर अच्छा आ जाए। आपके पास केसर ना हो तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्की सी आप हल्दी डाल देंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। हलवाई बनाते हैं तो वो हल्दी डालते हैं, केसर डालते हैं थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा केसर नहीं डालते, क्योंकि केसर इतना महंगा होता है तो उसमें हल्दी डाल देते हैं। वो आप ये टेंशन नहीं लें कि एक केसर नहीं है तो हम कैसे बनाएं, क्या करें। आप हल्की सी एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं इसमें। हल्दी डालने से इसका कलर एकदम येलो हो जाएगा। जैसे एक चुटकी हल्दी इसमें डाल दिया है, देखिए, बस इसका कलर चेंज हो गया, देखिए हो गया। अभी उबल रहा है, तब तक और आगे की हम तैयारी करते हैं। एक कटोरी है, इसमें मैंने 1 चम्मच और आधी चम्मच ही गेहूं का आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं, ले लिया है। इसलिए लिया है कि इसमें ग्लूटीन ज़्यादा होती है, इसलिए लिया है। और इसको अब हम पानी डाल के घोलेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इससे जल्दी से दूध गाढ़ा हो जाएगा। देखना आप कितना बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। और शुद्ध माल है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, खाते हैं, वही है। आप सोच रहे होंगे कच्चा है, कहीं कच्ची महक ना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बनाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा। मैं तो ज़्यादा ही गेहूं का आटा ही यूज करती हूँ हर चीज़ में। देखिए, मैंने इसको घोल लिया है, बना लिया। अब इसे हम डालेंगे दूध में। और बाकी मैंने जी ये ब्रेड लिए हैं, जी 6 ब्रेड हैं, इनकी हम रसमलाई बनाएंगे। तो ब्रेड को पहले हम ऐसे बेलन से बेल लेते हैं, ऐसा करने से ये ब्रेड टूटेगी नहीं और सही से इसमें रस भी चला जाएगा, जो हम डालेंगे जूस वो भी चला जाएगा। देखिए, ऐसे ही बस, किनारे हटाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम सारी ब्रेड कर लेंगे। टूटी है, देखिए, ऐसे ही हम सब, मैंने 6 ब्रेड लिए हैं। आपके जैसे घर में जितने लोग हों, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, बस हल्के हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, ऐसे ही हम सारी ब्रेड कर लेंगे। अब इसमें हम ये आटे वाला घोल ही डालेंगे, देखना, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसमें लम्स ना आए। बस इसकी डालने से 2-4 मिनट में ही
गाढ़ा हो जाएगा। देखिए गाढ़ा होने लगा है। आप ऐसे बनाएंगे आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि क्या है। वो बहुत अच्छा लगेगा, बनाना एक बार ज़रूर बनाना आप। देखिए ये बस अभी गाढ़ा, देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। देखिए हो गया है बिल्कुल। देखिए अब इसमें हम थोड़े काजू, पिस्ता और ये बादाम है जो मैंने मोटा मोटा थोड़े इनको कर लिया, इसमें डाल देंगे हम। देखिए काजू, पिस्ता और बादाम और चिरौंजी तो ज़रूरी डालनी है। चिरौंजी आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। मैंने एक चम्मच इसमें चिरौंजी भी डाल दी है और इलायची, इलायची पाउडर वो भी मैंने मोटा मोटा इसको देख ले, देखो ये भी डाल दिया। नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन में है खुशबू के लिए, मैंने डाल दिया है। अब गैस को हम करते हैं बंद। देखिए गाढ़ा हो गया है, देखिए चम्मच में इसकी परत बन रही है, ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसको करते हैं हम बंद। अब चलते हैं अपनी रसमलाई बना, अपनी जो इस मलाई में डालने के लिए ब्रेड की बनाने के लिए, इसको हम कर देंगे बंद। मैंने ये कटर लिया है, अगर कटर ना हो तो गिलास से आप काट सकते हैं या फिर कटोरी हो उससे भी काट सकते हैं। देखिए आप ऐसे गिलास से काट सकते हैं, मेरा ये बड़ा गिलास है, छोटा नहीं है। आपके पास छोटा हो तो आप उससे बड़े आराम से कट जाएगा। देखिए ये कट गए हैं और ये इनको वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है। इनसे हम इनका पोहा बना सकते हैं या ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, किसी भी में ये काम आ जाएंगे। तो इनको हम साइड से रखते जाएंगे। अब हम बनाएंगे इस कटर से, ये मेरे पास कटर है तो इससे देखिए छोटी बड़ी आप अपने जैसे आपको बनाना हो छोटी बड़ी आप बना सकते हैं। देखिए मैंने इससे भी बना लिया है और ये और छोटा है, इससे भी बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, तीन बनेंगे एक में, ऐसे ही हम पूरी काट लेंगे। दोस्तों देखिए मैंने ये बना लिया है, मैंने इतने बना के रख लिए हैं। अब इनमें हम इसको हम भरते हैं और मेरी रबड़ी भी ठंडी हो गई है। आप देखना आप इनमें थोड़ा सा एक एक में पानी लगाते जाएंगे, आप चम्मच से या उंगली से लगाएं ऐसे इनको ऐसे, और इसमें थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स या मलाई आपको जो भी इसमें कर डालना हो इसमें बीच में वो आप रख सकते हैं। देखिए और इसको ऐसे बंद कर दें टाइट, ये आराम से बंद हो जाती है, ये बंद हो गई है। या आप थोड़ी सी मलाई दूध की आप ऐसे रख दें और इसको ऐसे बंद कर दें, लीजिए हो गई बंद। आपको जैसे बनाना हो और आप जितने खाएं तुरंत तुरंत बनाएं, रबड़ी बना के रख लें और ऐसे तुरंत बना के। हाँ देखिए मैंने ये मलाई दूध की मीठी नहीं की है, इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि रबड़ी मीठी है, मीठा कम पसंद करते हैं घर में लोग, तो ज़्यादा मैंने इसमें मीठा नहीं किया है। आपके यहाँ मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हो तो आप मीठा डाल सकते हैं। देखिए बन गई है, ऐसे ही मैं पूरी बना करके रख लूँ। देखिए इसमें मैंने मलाई भी लगाई है और मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ। आपको याद दिला दूँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को,
जो भी हो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इसमें मैंने मलाई भी लगाई है और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अब आपको जैसी बननी हो जैसी बनाने हो आपकी मर्ज़ी, या आप मलाई की खा सकते हैं या फिर मलाई विथ ड्राई फ्रूट्स डाल के भी बना के खा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको भी बंद कर दिया है, ये चिपक गई, देखिए चिपक गई। अब इसमें हम मलाई डालेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं ये 2 पीस ले 4 पीस ले रही हूँ, ये 4 पीस इसमें ही हम मलाई डालेंगे। देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है, ठंडी हो गई है। आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रख दें, ये बहुत ठंडी हो जाएगी। मैंने इसे बाहर ही छोड़ दिया था आधा घंटे के लिए, क्योंकि इतनी सर्दी है तो ये अपने आप से ठंडी हुई। देखिए दोस्तों तो ये तैयार है। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए और कुछ केसर के धागे आपके पास हो तो आप डाल लें, और ना हो तो कोई बात नहीं, बस। वो तो वैसे ही इतनी टेस्टी बनी, इतनी टेस्टी है कि आप एक बार बनाएंगे ना, खिलाएंगे जिसको, वो बार बार भूलेगा। और आपके घर में मेहमान आए हो ना तो आप बनाएंगे तो मेहमान तो खुश हो जाएंगे, अपनी तारीफ आपकी तारीफ किए बिना वो रुकेंगे नहीं। अब देखिए ये मैंने डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल दिए हैं और ये तुरंत झटपट बन जाती है। आप ज़्यादा लोग हों तो ज़्यादा दूध डाल सकते हैं, मेरे यहाँ कम है तो मैंने कम डाला है। और आपको जब भी मन हो आप तभी बना सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर ज़रूर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब आपकी आप ही इसे टेस्ट करो, आपको ये खाने की बारी है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, आपको मैं ये दिखाती हूँ तोड़ कर। देखिए प्लीज लाइक शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।